कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। बात करेंगे खासतौर से कृषि बाजार में गेहूं के बाजार के बारे में। तो गेहूं के मार्केट के बारे में अगर बात करते हैं, कीमतों में सप्ताह भर से हल्का उतार चढ़ाव गेहूं में देखा जा रहा है। सूत्र ये बताते हैं कि अभी तक सरकारी खरीद को किसानों ने ज्यादा महत्व नहीं दिया है। हालांकि देश भर में 85% किसानों ने सरकार को गेहूं देने के लिए पंजीकरण करवाया था, लेकिन उस रफ्तार से सरकारी खरीद केंद्रों पर किसान अपनी फसल लेकर नहीं पहुंच रहा है। और साथ ही सरकारी खरीद एजेंसी 2125 रुपए प्रति क्विंटल का भाव दे रही है, जबकि प्राइवेट खरीदार इसके भाव 2200 से लेकर 2250 के बीच दे रहे हैं। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार भी गेहूं की सरकारी खरीद लक्ष्य हासिल नहीं कर पाएगी और केवल कमजोर क्वालिटी के गेहूं ही सरकार को मिल सकते हैं, और टॉप क्वालिटी के गेहूं अभी किसानों ने रोका हुआ है। जानकारों का ये कहना है कि जैसे सरकारी खरीद बंद हो जाएगी, तुरंत प्राइवेट खरीदार सक्रिय हो जाएंगे और बाजार में आपको गेहूं की कीमतों में और भी तेजी देखने को मिल सकती है। जो दाम बाजारों में 2270 से लेकर 75 रुपए प्रति क्विंटल देखे जा रहे हैं, इसमें मंदी की संभावनाएं कम है और जुलाई के आसपास गेहूं की कीमतें जानकारों के अनुसार 200 से लेकर 300 रुपए तक बढ़ सकती हैं। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। अगर आज की खबरें आपके लिए यूजफुल हो तो लाइक जरूर कीजिए। कृषि बाजार जुड़ी हर खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज मार्केट 24।